यमुनानगर जिले के रादौर के गांव हाफिजपुर में कृषि विभाग की टीम ने बंद पड़ी फैक्ट्री के गोदाम में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान गोदाम से अवैध रूप से रखे गए यूरिया खाद के 724 कट्टे बरामद किए गए। इसकी सूचना रादौर पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री को सील कर उसके संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कृषि विभाग की शिकायत पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी हरीश पांडे ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव हाफिजपुर में खाद विक्रेता चौधरी इंटरप्राइज के रजिस्टर्ड गोदाम में अवैध खाद रखी हुई है, जिसके आधार पर उनकी टीम ने मौके पर जाकर रेड की, जहां से दो कंपनियों के नाम के 724 यूरिया के कट्टे बरामद किए गए, जिसे गोदाम के अंदर तूड़ी के ढेर में छिपाकर रखा गया था। जांच करने पर मौके से ना तो कोई रिकॉर्ड मिला और ना ही कोई कागजात बरामद हुए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये हाफिजपुर में चौधरी एंटरप्राइजेज पे, यहाँ पे 724 बैग मिले हैं दो कंपनियों के, NFL के और क्रिप्को के। ये बाहर का ही है, लेकिन अब इस पे तो देखना पड़ेगा, क्योंकि विभाग द्वारा प्राइवेट को किसी भी तरह का खाद नहीं दिया जा रहा है। हाँ, पैक्स पर लाग किया हुआ है। ये तो जांच का विषय ही है कि ये तो पुलिस ही बताएगी कि ये कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमारे पास तो यही है कि जैसे ही सोर्स आती है तो हम इस पे कार्रवाई करते हैं। नहीं भेज सकता, क्योंकि दिसंबर के बाद सरकार ने बंद किया हुआ है, विभाग ने इनको किसी भी तरह की खाद बेचने की मनाई की हुई, उन पर भी पुलिस एक्शन किया गया, FIR की गई है। अभी तो भाई नहीं, चौधरी एंटरप्राइजेस अभी कृषि विभाग की तरफ, एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से सूचना आई थी श्री हरीश पांडे जी के भी। हमने यहाँ भी इस पर में दो दुकानें हैं, जगमाल सिंह का कोई ये नाम पे लाइसेंस है, इसके अंदर से 724 कट्टे यूरिया खाद बरामद किया है और जिस पे आप कार्रवाई के लिए पहुंचे। इन्होंने हमारे को लिखित में अपनी कंप्लेंट दे दी है, तो मुकदमा दर्ज करके 724 अभी मुकदमा दर्ज करेंगे 7, 9, 10, 55 और 420 ICC के तहत, और मुकदमा तफ्तीश के दौरान जल्दी से जल्दी मुलजमान को गिरफ्तार किया जाएगा। अभी मुलजमान अपराध जगमाल सिंह दुकानें। फिलहाल छापेमारी की सूचना पाकर खाद विक्रेता पहले से ही फरार हो गया था, जिसकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। वहीं जिस तरह से कृषि विभाग लगातार छापेमारी कर यूरिया खाद को पकड़ रहा है, उसको देखकर लगता है कहीं न कहीं कृषि विभाग अब एक्शन मोड में आ गया है, क्योंकि कृषि विभाग ने इसी महीने में कम से कम 5 गोदामों पर रेड कर लगभग 10,000 कट्टे बरामद किए हैं। अब देखना होगा कि खाद की अवैध बिक्री पर आगे कितनी रोक लगेगी। यमुनानगर से सुमित ओबराय, पंजाब केसरी टीवी।